गाजीपुर। कई पत्रकार संगठन पत्रकारों की भीड़ को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन दिव्य लोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ का उद्देश्य भीड़ बढ़ाना नहीं बल्कि पत्रकारों के साथ हो रही उत्पीड़न पर पत्रकारों के लिए हर समय उनके लिए तत्पर रहना व सहयोग करना संघ का उद्देश्य है। सदर क्षेत्र के ददरीघाट में दिव्य लोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ की बैठक संरक्षक राजेश चौबे के नेतृत्व में सम्पन्न हुई। संघ के बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष पांडेय ने किया। बैठक में कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर बारीकियों से विचार विमर्श किया गया, जिसमें सरकार व आम जनता के मध्य एक मजबूत कड़ी के तहत पत्रकारों की स्वयं श्रम भूमिका के समक्ष अनेक चुनौतियों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निर्भीक, निष्पक्ष व अडिग रहने आदि विषय पर जोर दिया गया, जिसमें सभी ने एक स्वर में संघ के संगठन की मजबूती पर सहमति प्रदान की। दिव्य लोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुनीत कुमार त्रिपाठी, राष्ट्रीय सचिव अमित उपाध्याय, राष्ट्रीय महासचिव मो इसराइल, जिला उपाध्यक्ष जय प्रकाश चंद्रा, जिला महामंत्री गगन सिंह को चयनित किया गया है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के एन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष पांडेय, जिला अध्यक्ष वीर बहादुर मौर्य, रजत श्रीवास्तव, प्रियतोष साहू, अर्जुन कुमार, गौतम कुमार इत्यादि लोग मौजूद रहे। मेरा नाम आशुतोष पांडे, मैं दिव्य लोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आशुतोष जी, आज एक मासिक बैठक आपने कराया था, किस तरह का बैठक था? ये पत्रकार हित के लिए हमेशा माटी दिव्य लोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ जो है मासिक बैठक कराता है। इस बार गर्मी की वजह से बैठक थोड़ी सी लेट हुई है, लेकिन सारे पत्रकार जो जनपद भर के पत्रकार हमारे हैं, इनको प्रत्येक महीने में एक बार इकट्ठा होकर के सभी लोगों को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, समस्याएं जो होती है, वो सभी पत्रकारों का स्वास्थ्य और समस्या दोनों के विषय में चर्चा की जाती है और विचार किया जाता है, और उसमें जो अपने नए पत्रकार बंधु आते हैं उनमें उनको जोड़ा भी जाता है। बैठक में कुछ पदाधिकारियों का चयन भी किया गया है, ये किस तरह का चयन है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पत्रकार संघ में कुछ पद ऐसे अतिरिक्त पड़े हुए थे हमारे यहाँ, खाली थे पद, तो उसमें हमारे राष्ट्रीय कमेटी के भी पद थे, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुनीत त्रिपाठी जी को जो पत्रकार हैं गाजीपुर जनपद उनको नामित किया गया, और अमित उपाध्याय जी को राष्ट्रीय सचिव के पद पर नामित किया गया। वहीं जय प्रकाश चंद्रा जी को जिला उपाध्यक्ष के पद पर नामित किया गया है, वह इसराइल भाई को राष्ट्रीय महासचिव के पद पर नामित किया गया है, जबकि हम देखते हैं तो गगन भाई को जिला महामंत्री के रूप में नामित किया गया है। जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान के एन शर्मा जी से हमारी बात हुई है, और मध्य प्रदेश में और बिहार में और उत्तर प्रदेश के सभी मैक्सिमम सभी जनपद में लखनऊ जाकर के एक सम्मेलन किया गया था, वहीं पे पूरे प्रदेश भर के पत्रकारों को जोड़ा गया हर जनपद के, और महाराष्ट्र में भी अपनी टीम काफी तेजी से काम कर रही है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हमें जानकारी प्राप्त हुई है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी नागपुर और गोवा में भी जाने की बात कर रहे हैं, और जब वहां का चुनाव हो जाएगा तो बाकी जानकारी मैं दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पत्रकार के ऊपर कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता है, पत्रकार अपने आप में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं, कभी कितना भी कठिनाई आ जाए, कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, पत्रकार के कलम इतनी ताकत होती है उनका कभी उत्पीड़न कोई कर नहीं सकता, और पत्रकारों के साथ यदि उत्पीड़न होता है दिव्य लोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ रात में 12 बजे 24x7 हमेशा पत्रकारों के हित के लिए खड़ा रहेगा। यदि हमारे जनपद के किसी पत्रकार भाइयों के ऊपर किसी तरह की समस्याएं आती है तो दिव्य लोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ का दर्जा कटाएगा, तो जहां जैसे कि हमारे राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमान राजेश चौबे जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के एन शर्मा जी का दिशा निर्देश है कि पूरा संगठन उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इस तरह का कार्यक्रम था आज दिव्य लोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ के मासिक बैठक आदरणीय राजेश चौबे संरक्षक जी के ही आवास पर संपन्न हुई है। इसमें पत्रकारिता के क्षेत्र में जो हमारे पत्रकार बंधुओं को समस्याएं आती हैं, जहां इन्हें मदद नहीं मिल पाती है, और किन किन क्षेत्रों में इनकी परेशानी है और कहां कहां इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सभी लोगों ने आज अपने सुझाव भी रखे, अपने समाधान के लिए भी लोगों ने बातें की हैं, और ये पाया गया है कि इतनी मेहनत के बावजूद भी कहीं कहीं निश्चित रूप से चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र के लोग हों या राजनैतिक लोग हों, उनको पत्रकारों के महत्व को समझना चाहिए और पत्रकारों के साथ जो उनके व्यवहार हैं वो काफ़ी कुशल तरीके से ही संपादित होने चाहिए,
इसका उन सभी लोगों को ध्यान देना ही पड़ेगा। दिव्यलोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण काम कर रहा है और इस बैठक में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि समाज में उन लोगों को चिन्हित किया जाए, चाहे वो प्रशासनिक स्तर के लोग हों, चाहे सामाजिक स्तर के क्षेत्र के लोग हों, चाहे राजनैतिक स्तर के लोग हों, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में ही कार्य क्यों न कर रहे हों, उनकी पहचान की जाए और जो लोग अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, दिव्यलोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ अपने संगठन का एक प्रशस्ति पत्र उनको चिन्हित करके और देने का कार्य करेगा, जिससे उनके सम्मान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जो लोग अच्छे कार्य करते हैं उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए और जो लोग गलत कार्य करते हैं उसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। दिव्यलोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ उन सभी लोगों के साथ है जो समाज में कहीं ना कहीं से दबे हैं, कुचले हैं या जिन लोगों को कोई समस्याएं जीवन में आ रही हैं। अगर दिव्यलोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ के किसी भी सदस्य तक वो अपनी समस्या को पहुंचाते हैं तो यह निर्णय लिया गया है कि उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए संघ या संघ के पत्रकार बंधु जो भी उनकी जिस स्तर पर मदद कर सकते हैं अवश्य करेंगे और इसके लिए इनको जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। सारे लोगों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। संघ का विस्तार भी किया गया है, किन-किन सदस्यों को क्या-क्या पद मिला है? आज संघ का विस्तार इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ लोगों को संघ से बाहर किया गया था, क्योंकि संघ के प्रति उनके जो उत्तरदायित्व थे वो पूरे नहीं कर पा रहे थे। उसी क्रम में आज पुनीत त्रिपाठी जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर नामित किया गया है और राष्ट्रीय सचिव के नाम का नामकरण अमित उपाध्याय के साथ किया गया है और आपके इसराइल जी को महासचिव का पदभार दिया गया है और जयप्रकाश चंद्रा को जिला उपाध्यक्ष के पद पे नामित किया गया है और गगन सिंह को जिला महामंत्री के नाम पे नामित किया गया है।